जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने सरकार बनने के बाद एक महीने के जीडीए के कार्य पर कहा कि पिछले एक महीने में जीडीए ने कई नई चीजों को करने का प्रयास किया है, जिसमें खोराबार योजना पिछले 10 सालों से लंबित है, उसको फेज वाइज लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है, जिसको 10 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा रामगढ़ ताल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे रामगढ़ ताल के बगल में एक वाटर बॉडी है जिसका सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसका प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर एक महीने में काम हुआ है। इसके अलावा रामगढ़ ताल के किनारे लगी रेलिंग को भी बदला जा रहा है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनेगा और वहां पर बैठने की जगह भी बनाया जा रहा है। और रामगढ़ ताल के सड़क के इस बगल पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, और डिवाइडर में जो फूल पौधे लगे हुए हैं उनको और आकर्षित बनाने के लिए नए नए फूल पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले भी नक्शे पास हुए थे और चुनाव में कुछ नक्शों को पास करने में गति धीमी हुई थी, उस पर भी अभियान चलाकर नक्शों को पास करवाया जा रहा है। अगर किसी नागरिक के नक्शों का कार्य अधूरा है तो वह जीडीए के सचिव से संपर्क करके अपना नक्शा पास करवा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, नहीं, पिछले एक महीने में हम लोगों ने कई नई चीज़ें करने का प्रयास किया है, जैसे कि जो खोराबार योजना है, खोराबार योजना पिछले 10 साल से लंबित है, उसको फेज़ वाइज लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है। वो अगले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में उसको हम लोग लॉन्च भी कर देंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल का क्षेत्र है, रामगढ़ ताल के क्षेत्र में और भी ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा होगा एक वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी लगभग बन के तैयार हो गया है और उस पर पिछले एक महीने में हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल में जो पूरा पैडलेगंज से लेकर नौकायान तक जो सड़क है, उस सड़क पर रामगढ़ ताल की तरफ तो जो रेलिंग है उसको हम लोग बदल रहे हैं और साथ में उसमें बैठने का जगह बना रहे हैं। रामगढ़ ताल के अपोजिट साइड में रोड के इस तरफ उसमें हम लोग सुंदर पाम ट्रीज लगाने का प्लान किए हैं, उसका भी प्लानिंग हो गया है। और जो डिवाइडर में जो फूल पौधे लगे हुए हैं उसको भी और आकर्षित फूल पौधे लगाने का प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस पर भी काम चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे वर्क हैं जो हम लोगों ने किए हैं। एक और चीज़ नया शुरुआत किया हम लोगों ने कि जो भी नक्शे हम लोगों ने पास किए थे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान थोड़ी उसमें धीमी आई थी, उस पर भी अभियान हम लोग चला रहे हैं और पब्लिक से वो कर रहे हैं कि जिनको भी नक्शा पास कराना है वो जीडीए में आके मुझसे या सचिव साहब से मिल सकता है। और हम लोग जो भी व्यक्ति आ रहा है अपना नक्शा पास कराने के लिए 3 से 5 दिन में हम लोग उनका नक्शा पास कर दे रहे हैं।